नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेड न्यूज, खबर नालंदा से है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नालंदा दौरे पर राज्य पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ कारगिल चौक के पास मंत्री का स्वागत किया। बताते चले कि राजगीर में 3 दिवसीय आयुष्मान भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में आयुष्मान भारत के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान पूरे बिहार से आयुष्मान भारत से जुड़े कर्मी एवं अधिकारी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत अभी 5 लाख रुपए के लाभ मिल रहे हैं। इस दौरान बेहतर हो इस पर भी चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि नालंदा के सिविल सर्जन समेत 5 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि देश के साथ साथ अभी बिहार में भी कोरोना के केस बढ़े हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। देश की तुलना में बिहार सबसे कम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जांच में कमी नहीं हो। प्रतिदिन बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना की जांच हो रही है। टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभी भी देश में टीकाकरण के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर रहता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अच्छी बात यह है कि इस बार के कोरोना में मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार विस्तारित किया जा रहा है और सुदृढ़ किया जा रहा है, और स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तारित और सुदृढ़ करने के काम में ही एक बड़ा काम होता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द कैसे अस्पताल पहुंचाएं। तो उस व्यवस्था को भी हम लगातार ठीक कर रहे हैं, और उसके लिए एम्बुलेंस भेजा गया।